आइए इस दिवाली क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये दिवाली हमारी जिंदगी की सबसे खुशहाल सबसे शानदार दिवाली बन जाए। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इस दिवाली ना सिर्फ हम अपने और अपने परिवार के बीच खुशियां मनाएं, हम बहुत सारे और लोगों को खुशियां बांट पाएं। और सबसे विशेष क्यों ना कुछ ऐसा करें इस दिवाली कि हमारा आने वाला कल सूरज की तरह चमचमाता हो एंड वी हैव अ ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। हाय, दिस इज दीपक बजाज, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। आज मैं आपसे कुछ 7 ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको और मुझे, हम सबको इस दिवाली पर करना चाहिए, जिससे हमारा आज बेहतर हो, हमारा आने वाला कल बेहतर हो, जिससे हम और हमारा परिवार खुशियां मनाएं और हम लाखों और लोगों की जिंदगी में खुशियां बांट दें। राइट, चलिए इन 7 चीजों को एक एक करके फटाफट डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डीक्लटर। क्लटर बोले तो गंदगी या वो सब चीजें जो जरूरत की नहीं है। सो क्यों ना इस दिवाली डीक्लटरिंग पे लगते हैं, हर वो चीज जिंदगी से हटा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और अगर आपको डीक्लटरिंग करना है तो आपको 2 चीजों पे डीक्लटरिंग करना पड़ेगा, 2 चीजों पे सफाई करनी पड़ेगी। 1, आपका घर और आपका आसपास, और दूसरा आपका माइंड। तो अगर मैं आपके घर की बात करूं तो देखिए, वो सब सामान जो आपने पिछले 12 महीने में इस्तेमाल नहीं किया, चांसेस हैं कि शायद आगे भी आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जितने दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों ना वो किसी को दे दिया जाए, शायद कोई और इंसान हमसे बेहतर उसका इस्तेमाल कर लेगा। तो लाइफ को सिंप्लीफाई करें, चीजें उतनी रखें जितनी आप संभाल पाएं। होर्डिंग करने से, चीजों को भरने से, जरूरत से ज्यादा सामान रखने से आप कुछ खास अचीव करने वाले नहीं हैं। तो इस दिवाली डीक्लटर योरसेल्फ और अपना घर, अपना डेस्क, टेबल्स, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, जस्ट क्लीन अप एवरीथिंग। और ना सिर्फ अपना घर साफ करें बल्कि आसपास का भी, पड़ोस का भी, कुछ कुछ एरिया, कुछ कुछ चीजें जरूर साफ करें इस बार। राइट, नंबर 2 इज डीक्लटर योर माइंड। हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता है और 10 में से 9 थॉट्स हमारे लिए शायद यूजफुल, फ्रूटफुल, प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। हम बहुत समय फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बहुत समय पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो थोड़ा सा ये पास्ट और फ्यूचर को हटाइए और प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट करिए। हम बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं जिन्होंने पास्ट में हमारे साथ कुछ गलत किया। आज इस दिवाली एक छोटा सा काम करिए मेरे कहने से, दैट इज फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ कर दीजिए, भूल जाइए, माफ कर दीजिए, भूल जाइए। क्यों खामखा में ऐसे लोगों को और ऐसे विचारों को मन में रखना जिनको बार बार सोचने से दुख होता है या हमारी खुशी में कमी आ जाती है, सैडनेस आती है। सो जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट दिस दिवाली। और फ्यूचर की बहुत चिंता मत करिए, आपका फ्यूचर इज ओनली ए एंड रिजल्ट, प्रेजेंट इज द रूट कॉज। आप प्रेजेंट को संभाल लीजिए, फ्यूचर अपने आप संभाला जाएगा। तो पास्ट और फ्यूचर इन दोनों की चिंता किए बिना प्रेजेंट को संभालिए, खुशी से रहिए और ऐसे काम करिए जिससे फ्यूचर ब्राइट हो जाए। सो नंबर 1 थिंग दैट वी शुड डू दिस दिवाली इज डीक्लटर। नंबर 2 इज लाइट अप, रोशनी करिए। रोशनी शब्द में ही बहुत जान है दोस्त, रोशनी सुनते ही आंखों में भी चमक आती है। राइट, रोशनी बोले तो पॉजिटिविटी, अंधकार हटता है, अंधेरा चला जाता है, डार्कनेस चली जाती है। राइट, एंड जब आप रोशनी करते हैं तो पैसिमिज्म, नेगेटिविटी, बुरी स्टेट्स, ये सब बाहर निकल जाता है। तो खूब सारी रोशनी करिए अपने घर में, दिए जलाइए, लाइटें जलाइए, मोमबत्तियां जलाइए और अपने घर में खूब सारी रोशनी करिए। और ना सिर्फ अपने घर में बल्कि जरा आस पड़ोस में भी इस बार रोशनी करते हैं। राइट, और मैं ये 7 चीजें बताने वाला हूं आपको और ये 7 चीजें मिलकर इस बार की दिवाली शानदार बनाएंगी। राइट, नंबर 3 एंड दिस इज माई फेवरेट ऑल्सो, मल्टीप्लाई योर वेल्थ दिस दिवाली। इस दिवाली पे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने की प्लानिंग बनाइए। देखिए, द मनी इज गुड, हमारे हिंदू शास्त्रों में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी पैसे की देवी हैं। मनी इज गुड बिकॉज इट गिव्स यू चॉइसेस, इट गिव्स यू फ्रीडम, इट गिव्स यू सिक्योरिटी। राइट, एंड इट गिव्स यू हैप्पीनेस ऑल्सो फॉर श्योर। और जिंदगी में बहुत सारी एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज इधर उधर बंद हो जाता है अगर आपके पास सफिशियंट पैसे होते हैं। तो इस दिवाली जरा सोचिए ना कि आपकी मनी पोजिशन कैसी चल रही है। अपनी एक वेल्थ स्टेटमेंट बनाइए, पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट, और जरा चेक करिए आज आपकी मनी पोजीशन क्या है, वेल्थ पोजीशन क्या है, और चेक करिए क्या ये पिछले साल से बेहतर है या वही है। और अगर इस साल आपका बैंक बैलेंस, आपकी एफडीज और आपका वेल्थ पिछले साल के बराबर है या 5 साल पहले जिधर था आज भी आपका बैंक बैलेंस उतना ही है, तो बस आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो बदलने की जरूरत है, कुछ तो नया सीखने की जरूरत है, कुछ तो नया करने की जरूरत है। देखिए, याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं,
तो फिर आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। आपको अगर अलग परिणाम चाहिए तो फिर आपको अलग कुछ काम तो बॉस करने पड़ेंगे। माय रूल एंड बेंचमार्क इज सिंपल, एवरी दिवाली योर वेल्थ शुड इंक्रीज। हर दिवाली आपकी वेल्थ, आपकी मनी, आपका बैंक बैलेंस, आपके एफडीज, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग पिछले साल से बेहतर होने चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। दिमाग लगाइए, अपनी लाइफ में एक सेकेंड इनकम सोर्स को जोड़िए। हर साल एक ना एक इनकम का सोर्स आपकी इनकम में जुड़ना चाहिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा मैं तो बोलता हूं देयर इज समथिंग कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बोले तो वो इनकम जिसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर साल कुछ तो ऐसा करिए कि आप पिछले साल से ज्यादा इस साल ऐसा इनकम कमा रहे हैं, पैसिव इनकम, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपनी इनकम में पैसिव इनकम के सोर्सेस को ऐड करते जाइए हर साल। तो इस दिवाली जरा अपनी वेल्थ को और अपनी मनी को संभालिए, टटोलिए और देखिए हम पिछले साल से इस साल कहां जा रहे हैं। और चौथा काम जो आपको इस दिवाली जरूर करना चाहिए वो है रिवाइव योर फ्रेंडशिप्स। अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपनी दोस्तियों में थोड़ा सा पुनर्जीवन डालिए। आजकल के सोशल मीडिया के समय में ना हम लोगों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। हम लोग मैसेजेस फॉरवर्ड ज्यादा करते हैं, कॉल्स कम करते हैं, और मैसेजिंग और फॉरवर्डिंग ज्यादा होती है, लोगों के यहाँ आना जाना कम हो जाता है। तो इस दिवाली कुछ लोगों से मिलते हैं, अपने कुछ पुराने दोस्तों के घर जाइए या उन्हें घर पे बुला लीजिए। और मैं बोलता हूं आपको यकीनन आपके कुछ ऐसे पड़ोसी भी होंगे जहां पे आप शायद पिछले 6 महीने साल भर से नहीं गए होंगे। तो दिस दिवाली जो ये 2-3-4 दिन आपको मिले, मैक्सिमम लोगों से मिलने का प्रयास करिए, मैसेज कम करिए, कॉल्स करिए, और जहां पर हो सके कॉल से काम मत चलाइए, जहां आप जा सकते हैं वहां जरूर जा कर आइए। तो इस दिवाली पे चौथा काम जो आपको जरूर करना चाहिए वो है यू नो रिवाइज योर फ्रेंडशिप, रिकिंडल योर फ्रेंडशिप, अपनी दोस्तियों का पुनर्जन्म करिए। राइट, नंबर 5, सेलिब्रेट एंड गिव ग्रैटिट्यूड। राइट, दिल से खुशियां मनाइए। हमेशा भगवान से मांगते मत रहिए, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसके लिए भी तो शुक्रिया अदा करिए। इस दिवाली हम लोग आगे के आने वाले कल की बेहतरी के लिए भगवान से दुआएं मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक और काम शुरू करते हैं। क्यों ना रोज दिन में 2-5 मिनट ग्रैटिट्यूड देते हैं, भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, कमाल की एक जिंदगी उन्होंने हमें दी है, तो क्यों ना उसका शुक्रिया अदा किया जाए। अगर आप गिनने लगेंगे ना तो यू कैन आई टेल यू, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स यू so much to be thankful for। और अगर आप भगवान का रोज शुक्रिया अदा करते हैं तो भगवान शुक्रिया अदा करने के कारणों को आपकी जिंदगी में बढ़ाता चला जाएगा। राइट, तो दिल से खुश होकर 3-4 दिन दबा कर दिवाली मनाइए, शुक्रिया करिए भगवान का और सेलिब्रेट करिए, और दिल से सेलिब्रेट करिए, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। नंबर 6 इज चैरिटी गिव अवे। दिस इज माई फेवरेट। सेल्फ सेंटर्ड लोग जिंदगी में होने ही नहीं चाहिए। आई फील लाइक यू नो टू लिव इज टू सर्व अदर्स। क्यों ना आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम के नहीं है, किसी और लोगों को दे दीजिए। आप बहुत सारे ऐसे घरों में मिठाई के डिब्बे देते हैं जहां पे 40 डिब्बे पहले से ही रखे हैं, क्यों ना ऐसे 5-7 घरों में भी मिठाई दी जाए जहां पर शायद आपके अलावा कोई और मिठाई नहीं देगा। मेक सम फूड पैकेट्स, कुछ खाने की चीजें जो 2-4 दिन शायद चल जाएं, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा कुछ राशन, थोड़ा सा कुछ खाने का सामान, और कुछ 2, 5, 10 घरों में क्यों ना पहुंचाया जाए, ताकि बहुत सारे और लोग जिनकी दिवाली शायद डार्क रहती, शायद अंधेरे वाली रहती, लेकिन आपका ये फूड पैकेट, ये मिठाई का पैकेट और आपके हंसे हुए वो बोल जो आप किसी को देंगे ना, ये उनकी जिंदगी की शायद सबसे कमाल की दिवाली आप मना लें। राइट, तो कुछ पैसे, कुछ मिठाइयाँ, कुछ चीजें अलग रखिए लोगों को देने के लिए। राइट, और उनको दीजिए जिनको शायद और कोई नहीं देगा। यू विल बी द ओनली होप फॉर दोस पीपल। वैसे मैं सबको ये बोलता हूं अपनी इनकम का 5-10% हमें हर महीने चैरिटी करना चाहिए। राइट, हर महीने का मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्यों ना कुछ घरों के अंदर जाके इस दिवाली पे दिया जलाया जाए, क्यों ना कुछ घरों के अंदर खुशियां बांटी जाए। और भगवान ने अगर आपको इतना कुछ दिया है, यू मस्ट शेयर। राइट, एंड नंबर 7, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट सैपलिंग, किसी पेड़ का पौधा लगाइए। हमारी इस धरती पे पॉल्यूशन इस कदर बढ़ रहा है, और हमें जब ये धरती मिली थी तो जितने पेड़ हमें मिले थे शायद काट काट के हम लोगों ने 90% खत्म कर दिए हैं। क्यों ना एक नई शुरुआत करें, इस दिवाली पर एक पौधा लगाइए, एक खूबसूरत सा वृक्ष लगाइए, और उसको अपने से पानी दीजिए, उसको संभालिए, और अपने हाथों से उसको अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखिए। एंड यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अपने प्लैनेट को, अपनी धरती माँ को बेहतर बनाने में आपका ये बहुत बड़ा योगदान होगा। अपने बच्चों के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने के लिए ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो 7वां काम आपको जरूर करना है, प्लांट 1 ट्री।
एंड इफ यू प्लांट अ ट्री डोंट फॉरगेट टू सेंड मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक राइट और मे बी ऑन यूट्यूब यू कैन जस्ट कमेंट मी राइट और मैं और मेरी पूरी टीम सुबह से शाम तक एक ही मकसद है हम लोगों का हम एक ही काम पे लगे हैं हम कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर बना पाएं हम सुबह से शाम तक रिसर्च कर रहे हैं ऐसे टूल्स और टेक्निक्स की जिससे आप जल्दी कामयाब हों आपकी लाइफ बेहतर हो और आप अपने सपनों को जल्दी पूरा कर पाएं और वो सब कुछ हम वीडियोज़ की फॉर्म में अपने यूट्यूब वीडियोज़ पर देते हैं तो अगर आपको आज का वाला भी ये वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना दिवाली पर आप बहुत कुछ फॉरवर्ड करेंगे ये वाला मैसेज ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए रिश्तेदारों के साथ में शेयर करिए फॉरवर्ड करिए लाइक करिए कमेंट करिए और सबसे जरूरी हम लोग आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप कुछ भी मिस ना करें और अगर आप हमारी इंफॉर्मेशन हमारा कंटेंट रेगुलरली चाहते हैं तो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपक बजाज यू स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक एंड देन जहां पे आप सब्सक्राइब करेंगे वहां एक बेल एक घंटी बनी है उस घंटी को जरा बजा दीजिएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब जब मैं कुछ नया डालूंगा आपके फोन पे वो घंटी बजेगी और मैं तुरंत आपके फोन में आपको दिख जाऊंगा राइट दिल से मैं चाहता हूं कि भगवान आपके सपने सारे सपनों को पूरा करें आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली बहुत सारी रोशनी आए और ना सिर्फ आपकी जिंदगी में रोशनी आए आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के लिए प्रेरणा का रोशनी का खुशहाली का स्रोत बने विश यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली कीप शाइनिंग कीप स्पार्कलिंग गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल थैंक यू सो मच